हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। सो वंस अगेन आई एम हियर विद क्लास टू इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम मृदंग, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर टू, एंड अंडर दिस चैप्टर टू द टॉपिक नेम इज आउट आउट, एंड दिस इज द टॉपिक फॉर रीडिंग। एज रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ reading. So here through this topic we are going to develop our reading skill, and for that purpose one of the small story is given in front of you, and the name of that story is Out Out. So shall we start, children? Okay, so all of you open your textbook page number 10, and as I am going to read the lesson, you also just put your finger on each word and understand the pronunciation. Whatever the word I am going to read, understand the pronunciation of each word. So shall we start? Okay children, so let us start. So it was a holiday. Jit and Bubbly were playing. They played many games. Both of them skipped the rope. They played hide and seek. Bubbly and Jit decided to play bat and ball. Jit got ready to throw the ball. Jit threw the ball. Bubbly hit the ball. The ball went into Mohit's garden, but his house was locked, so they could not find the ball, so the game stopped. Bubbly knew how to make a ball, so they got a few rags, paper and wool. Bubbly also brought a piece of string. She rolled rags, paper and wool to make a ball. Then she tied the ball with a string. They liked the new ball. The game started again. So this time Bubbly picked the ball. Jit picked the bat. Bubbly threw the ball. Jit hit the ball hard. The ball opened up and scattered in the air. So Bubbly jumped and caught a piece of rag, and she jumped and shouted, "Out, out!" So this is just I have read this story. So now we are going to understand it. चलो इसको समझते हैं अभी. अभी मैंने इसका reading किया. I hope everyone understood the pronunciation of each word. Now we are going to understand this story. अब इसको हम समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, it was a holiday. ये क्या था? छुट्टी का दिन था. Jit and Bubbly were playing. दोनों खेल रहे थे. जैसे कि जो जब भी छुट्टी का दिन होता है, you also play with your friends. Okay? So same here, the both are playing. They played many games. दोनों ने बहुत सारे गेम खेले यहाँ पर. Both of them skip the rope. दोनों ने पहले skipping किया. Skip the rope, ropes के ऊपर से jump करना, that is skipping, जिसे हम skipping कहते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला गेम जो आया उसका नाम क्या है बच्चों? That is skipping. SKIPPING. Okay. फिर उसके बाद they played hide and seek. दूसरा क्या है? हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक किसको किसको पसंद है? यस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, दैट इज लुका छुपी, ठीक है? फिर उसके बाद बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल. अब दोनों ने डिसाइड क्या किया कि अब हम कुछ और खेलते हैं. तो उन्होंने सोचा कि बैट और बॉल के साथ हम गेम खेलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट, ठीक है? सो जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल. जीत रेडी हो गया बॉल को थ्रो करने के लिए. थ्रो मतलब फेंकना. एंड बबली इज रेडी. जीत थ्रो द बॉल. बबली हिट द बॉल. जैसे जीत ने बॉल को थ्रो किया, बबली ने उसको हिट कर दिया, ठीक है? द बॉल वेंट इन टू द मोहित्स गार्डन. लेकिन बॉल कहाँ पर चला गया बच्चों? जो बाजू में मोहित का घर था उसके गार्डन में. लेकिन मोहित के घर को क्या लगा हुआ था? लॉक लगा हुआ था. सो दे कुड नॉट फाइंड द बॉल. तो उस वजह से वो बॉल को ढूंढ नहीं पाए. सो द गेम स्टॉप.
उस वजह से उनका गेम क्या हो गया, बच्चों स्टॉप हो गया। फिर क्या करते, देखो अब क्या करेंगे, तो उन्होंने सोचा और दे बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। तो यहाँ पर बबली को पता था कि बॉल को कैसा बनाया जाए। न्यू मतलब नो, दैट इज टू नो मतलब पता होना, तो बबली को पता था। सो दे गॉट अ फ्यू रैग्स पेपर एंड वूल। तो दोनों को क्या, वो दोनों ने क्या किया, कपड़े के जो छोटे छोटे पीसेस थे, पेपर था, वूल था, इसको इकट्ठा किया। सो बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। बबली ने एक धागा भी लेके आई। सो शी रोल्ड रैग्स पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल। कपड़े के पीसेस को अच्छे से उसने रोल किया, पेपर को रोल किया, एंड देन शी टाइट द बॉल विथ अ स्ट्रिंग। और उसको, उस बॉल को स्ट्रिंग से टाइट कर दिया। देखो इस पिक्चर में आप देख रहे हो बबली एंड मोहित, दे आर डूइंग दिस वर्क। सो दे लाइक द न्यू बॉल, द गेम स्टार्टेड अगेन। लाइक पसंद आ गया दोनों को, जो नया बॉल बना था दोनों को बहुत पसंद आया, और फिर उन्होंने फिर से अपना गेम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस टाइम बबली पिक द बॉल। इस बार बबली ने क्या किया, बॉल को पकड़ा। सो जीत पिक द बैट, जीत ने बैट को पकड़ा। सो बबली थ्रू द बॉल, बबली ने जैसे बॉल को फेंका, जीत हिट द बॉल हार्ड। वैसे ही जीत ने अपने बैट से बॉल को अच्छे से हिट कर दिया। सो द बॉल ओपन अप एंड स्कैटर। जैसे हिट किया, बॉल जो कपड़े का और कागज का बनाया था वो पूरा ओपन हो गया, दैट इज स्कैटर्ड हो गया, बिखेर गया एयर में। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि पूरा कपड़े और पेपर क्या है, अलग अलग हो गए। स्कैटर्ड मतलब बिखेर जाना। सो बबली जंप एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग। बबली उछल के उसने एक पीस पकड़ा कपड़े का, और वो जोर से चिल्लाने लगी, आउच आउट। मतलब जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हो कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है और जब बॉल को हिट करता है, और जब व्हेन द बॉल इज गोइंग टू बी कॉट बाय द फील्डर, देन द फील्डर विल शाउट आउट आउट। सो सेम वे हियर ऑल्सो बबली कॉट द पीस ऑफ पेपर एंड शी शाउटेड आउट आउट। सो बच्चो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। ओके, I hope everyone understood the pronunciation of each word. Okay, thank you so much.